गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन। एक्टिविटी वन, पार्ट वन, फेमस इंडियन साइंटिस्ट, मशहूर भारतीय वैज्ञानिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले हम इसके वर्ड्स देख लेते हैं। चैप्टर नंबर टू, वर्ड्स देखेंगे। क्यूरियस, क्यूरियस मतलब क्या होता है? उत्सुक। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज यात्रा करना। कंफर्ट, कंफर्ट मतलब होता है सुख सुविधा, सुख सुख सुविधा। इन्वेंशन, आविष्कार, सक्सेस, सक्सेस मतलब होता है सफलता। स्टेबलाइजमेंट, स्टेबलाइजमेंट का मतलब होता है बड़ी संस्था। फिजिस्ट का मतलब होता है भौतिक विज्ञानी। मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन का मतलब होता है गणितज्ञ। एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोनोमर का मतलब होता है खगोलविद। कंसेप्ट, कंसेप्ट का मतलब होता है विचार। यह हम पार्ट वन, जो हम पार्ट वन पढ़ने वाले हैं फेमस इंडियन साइंटिस्ट के बारे में, उसके ये वर्ड्स हैं। ये सब उसके हिंदी वर्ड्स हमने देखे हैं। अब हम पढ़ना चालू करते हैं। नेसेसिटी, नेसेसिटी इज सेड टू बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। खोज की माता किसे कहा गया है? जरूरत को, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी तो हम किसी चीज की खोज नहीं करेंगे। साइंटिस्ट आर क्यूरियस टू नो एंड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स एंड प्रोसेस अराउंड दे। जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या होते हैं? क्यूरियस, बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं किसी भी चीज की खोज करने के लिए, और उसके उस पर क्या करते हैं, वो प्रोसेस करना चालू करते हैं। वी इंजॉय ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ नॉलेज एज वेल एज लाइफ टूडे। हम लोग आज क्या कर रहे हैं, नॉलेज के बारे में और अपनी लाइफ, हर चीज को क्या कर रहे हैं, आरामदायक पूर्वक से व्यतीत कर रहे हैं। दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट द एफर्ट्स एंड सक्सेस ऑफ न्यूमरस साइंटिस्ट साइंटिफिक इन्वेंशन। और दिस वुड नॉट हैव नॉट बीन पॉसिबल, यह संभव नहीं था जब तक इसके पीछे लोग कड़ी मेहनत नहीं करते, और जो भी इन्वेंशन, जो भी खोज हुए हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते। अगर खोज सक्सेसफुल नहीं होते, लोग कठिन परिश्रम नहीं करते, वैज्ञानिक लोग, तो आज हमारी लाइफ इतनी आसान नहीं होती। सम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया आर आर्यभट्ट, चाणक्य, सी वी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, सी आर राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा एंड मैनी मोर। ये जो यहाँ पे जितने भी नाम दिए हुए हैं, वो कहाँ के वैज्ञानिक है? भारत के।
आर्यभट्ट हो गए, चाणक्य, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, सी आर राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा और भी इनके जैसे बहुत से वैज्ञानिक भारत के हैं जिन्होंने बहुत सारे खोजे की है। लेट अस द रीड मोर अबाउट सम ऑफ द फेमस इंडियन साइंटिस्ट। और भी दूसरे फेमस साइंटिस्ट के बारे में, विज्ञान भारतीय वैज्ञानिक के बारे में हम पढ़ते हैं। विक्रम साराभाई वॉज बॉर्न इन अहमदाबाद ऑन 12 अगस्त 1919 इन अ जैन फैमिली। विक्रम साराभाई जो है वो एक साइंटिस्ट हैं और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो अहमदाबाद में। कब हुआ था? 1919 में 12 अगस्त को हुआ था। और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? तो जैन फैमिली से बिलोंग करते थे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वॉज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। जो विक्रम साराभाई का जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये जो है उनका सबसे बड़ा सफलता प्राप्त किए थे विक्रम साराभाई। ही वॉज ऑल्सो सपोर्टेड डॉक्टर होमी भाभा इन सेटिंग अप द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया। और जो विक्रम साराभाई थे वो डॉक्टर होमी भाभा के हेल्प भी किए थे, सपोर्ट किए थे, किसमें? उनका फर्स्ट रॉकेट जो है वो लॉन्च हो रहा था, इसीलिए वो सपोर्ट किए थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वाइडली रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। डॉक्टर होमी भाभा जो थे उनको पिता बोला गया है, इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम के पिता के रूप में जाना जाता है। ही वॉज एंड इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये जो है इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स के रूप में फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर भी, फिजिक्स के प्रोफेसर भी थे, कहाँ के? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब हम पढ़ेंगे आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनोमर। आर्यभट्ट जो तो क्या है, भारतीय गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है इनको, और खगोल विद्या के रूप में भी जाना जाता है। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ जीरो एंड द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन मैथ। आर्यभट्ट जो थे वो जीरो के बारे में भी लोगों को बताया है, जीरो की खोज भी आर्यभट्ट ने किया, और मैथ में प्लेस वैल्यू की सिस्टम की खोज भी इन्होंने ही की थी। अब हम पढ़ेंगे श्री चंद्रशेखर वेंकटा रमन। श्री चंद्रशेखर वेंकटा रमन वॉज एन इंडियन फिजिस्ट। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930 फॉर हिज डिस्कवरी इन फिजिक्स नन एज द रमन इफेक्ट। यह जो है नोबल प्राइज से पुरस्कृत भी किया गया इन्हें 1930 में। किस लिए किया गया था? कि फिजिक्स में नन एज द रमन इफेक्ट, उन्होंने बनाया था रमन इफेक्ट्स के नाम से, उसके लिए इन्हें क्या किया गया था, पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा पार्ट वन कंप्लीट होता है, एक्टिविटी वन। एक्टिविटी टू हम देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फाइंड द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूट्स टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। क्या करना है आपको यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में? ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फाइंड द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। यहाँ पे आपको ये पिक दिए हुए हैं, इन्हें आपको पहचानना है और इनके बारे में लिखना है। तो ये आपको खुद से करने रहेंगे। एक्टिविटी थ्री, answer the following questions, list the names of any three scientists। यहाँ पे आपको लिस्ट देने हैं साइंटिस्ट के नाम, वैज्ञानिक के नाम देने हैं तीन। तो फर्स्ट हमारा है
आर्यभट्ट, सेकेंड सी बी रमन, थर्ड नंबर है विक्रम साराभाई। ये हो गए हमारे तीन वैज्ञानिक के नाम।